नमस्कार, जी न्यूज के खास कार्यक्रम क्या कहता है इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के बीच श्री राम के ऊपर चर्चा करने आई हूं। हम सभी जानते हैं, हम सभी के जीवन में राम एक ऐसा चरित्र है जिसे हम सब अपने जीवन में उतारना तो चाहते हैं, वो शायद इतना आसान नहीं है। तो आइए आज उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। श्री राम के बारे में, अयोध्या के बारे में, रामायण के बारे में, कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें अगर जीवन में उतार लिया गया तो हम सभी अपने जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन इस प्रसंग को शुरू करने से पहले, श्री राम के ऊपर चर्चा करने से पहले, अवध के ऊपर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे ताकि हम अपनी इस छोटी सी वाणी से, छोटे से मुख से उनके अथाह रूप के बारे में थोड़ा सा, थोड़ी सी चर्चा कर सकें। आइए भगवान को अपना बनकर पुकारते हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने में, योग्यता में शायद उतनी ताकत नहीं जितनी ताकत अपनेपन में है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और माँ सब काम छोड़कर उसके पास आ जाती है, उसी प्रकार हमें भगवान को पुकारना है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु, सभी जानते हैं कि परिवार, रिश्ते, नाते सब हैं, लेकिन उतना अपना कोई नहीं जितने अपने भगवान हैं। जब दिक्कत आती है तो कोई साथ नहीं देता सिवाय भगवान के। तो भक्त कहता है, तुम्हें छोड़ सोनी नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़े तुम्हारे कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। संपूर्ण विश्व को न्यायिक जीवन जीने के लिए चार सूत्र अयोध्या ने दिए हैं। धरती का सबसे पहला धाम अगर कोई है तो वो अयोध्या धाम है, जहां श्री राम ने जन्म लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि नर सृष्टि का आरंभ ही अवध में हुआ है। हम सभी के लिए, समस्त देशवासियों के लिए श्री राम, श्री राम का मंदिर बेहद करीब है। श्री राम ने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। अवध में स्वयं धर्म प्रकट हुए हैं श्री राम के रूप में। तो भगवान भक्त की प्रार्थना सुनकर धर्म की रक्षा करने के लिए,
भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की सहायता करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान जब ऊपर से नीचे आते हैं तब हम उसे अवतार कहते हैं। श्री राम जैसा लीडर मेरी नजर में तो आज तक ना हुआ है और ना आगे होगा। श्री राम ने अपनी कथा से, रामायण में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे श्री राम ने हमें ये सीख दी है कि कोई भी जीव छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति का, हर जीव का, हर काम का अपना महत्व है। मैं आपको दो प्रसंग सुनाती हूं जब श्री राम ने हमें ये सीख दी है। पहला प्रसंग, जब सीता माता का हरण हुआ था तब श्री राम बिल्कुल अकेले थे। अकेले यानी वो और लक्ष्मण जी, उनके पास ना कोई सेना थी, ना कोई लोग थे, ना कोई अपना था। अब श्री राम चाहते तो अयोध्या से अपनी सेना बुलवा सकते थे, क्योंकि वनवास कितने भी वर्षों का हुआ हो वापस तो उन्हें अपने राज्य ही जाना है। सीता माता थी तो सूर्य वंशों की बहू ही, वो जरूर उसकी रक्षा करते। चलिए अयोध्या से शायद नहीं बुलाना चाहते होंगे क्योंकि उन्हें वनवास मिला है, उनसे मदद मांगना उनको सही नहीं लग रहा होगा। तो श्री राम महाराज जनक से तो मदद मांग सकते थे, उनकी सेना बुलवा सकते थे। पर श्री राम ने किसको चुना जो उस वक्त उनके पास मौजूद थे वन में? कौन? वानर सेना। लेकिन अब खुद सोचिए, वानरों को वो तैयार कर रहे हैं रावण से युद्ध करने के लिए। हम सब जानते हैं रावण कितना बलशाली था, उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था और उस पर बैठे कौन है? शिव और शक्ति दोनों। इतने बलशाली पुरुष के साथ श्री राम वानरों की सेना तैयार कर रहे थे उससे युद्ध करने के लिए। लेकिन सही नेतृत्व इसे ही कहते हैं कि जीव छोटा नहीं होता, जीव कमजोर नहीं होता, अगर उसे सही सीख, सही प्रोत्साहन और सही सम्मान दिया जाए तो बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता है। और हम सभी जानते हैं, हम सभी ने कथा देखी है कि कैसे श्री राम की सीख ने, श्री राम के प्रोत्साहन ने, उनकी दी गई शक्ति ने उस वानर सेना में इतना साहस पैदा कर दिया कि उन्होंने रावण से वो युद्ध जीत लिया। इसीलिए अगर आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बड़े बड़े कामों को सफल करना चाहते हैं, तो अपनी सेना को, अपनी टीम को सही सम्मान दे, उन्हें प्रोत्साहन दे, उन्हें वो साहस दे कि वो जीवन में हर काम कर सकते हैं। फिर देखिए आप बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीत सकते हैं। तो श्री राम से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी काम करो पर अपना उद्देश्य सही रखो। इस प्रकार अगर हम अपने जीवन में इन आचरणों को उतार ले तो शायद थोड़ी सी श्री राम की झलक हमारे जीवन में भी आ सकती है, वो सफलता हमें मिल सकती है, वो प्रेम, वो उदारता, वो दया शायद हमारे अंदर भी बहुत ही थोड़ी मात्रा में पर आ जरूर जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हम सभी के मन में, करोड़ों देशवासियों के मन में श्री राम के प्रति, श्री राम मंदिर के प्रति कितना प्रेम है, कितना उत्साह है। आइए वही उत्साह आप सभी के बीच मैं भी लाती हूं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और अभी तक तो हम सभी जानते हैं श्री राम टेंट में थे, लेकिन अब लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। लगी कुटिया
करना है तो कैसे करें? पखारो उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो उनके चरणों को बहाकर दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं। और अब कई कहते हैं कि आपको कैसे पता चल गया कि भगवान आ गए, तो सच्चे भक्त क्या जवाब देते हैं कि हमें सामने देखने की जरूरत नहीं, तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार, नहीं चेहरे की है दरकार, बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सर। और शायद ये लाइन उन सभी करोड़ों देशवासियों के मन में है, क्या दुआओं का हुआ है असर, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए अवध मेरा में आए हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि राम या आराम, या तो आप राम बन सकते हैं या फिर आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप राम बनना चाहते हैं तो आपको आराम त्यागना पड़ेगा। राम के जीवन में केवल संघर्ष है। अगर हम देखते हैं मात्र 15 साल की उम्र में वो अपने गुरु की सहायता करने चले गए थे। जिस उम्र में हमें जवानी का जोश चढ़ता है, हम अपने जीवन को मौज मस्ती का रूप देते हैं, उस वक्त वो समाज की सहायता कर रहे थे, समाज की रक्षा कर रहे थे। और उनके संघर्षों को साधारण शब्दों में बयां करने की बजाय मैं आप सभी के बीच एक छोटी सी कविता रखती हूं। ये कविता कवि श्री संदीप जी द्विवेदी की लिखी हुई है, बड़ी ही प्यारी कविता है। इस कविता ने मुझे भी ये सिखाया है कि हम श्री राम से कितना कुछ सीख सकते हैं, उनके संघर्षों को देखकर अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। आइए वही प्यारी कविता आप सभी के बीच। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सरोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था, निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना, तब किस तरह बोलो स्वयं को धर्म पर तुम रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता,
धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो उस क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सीता थी हर ली गई था कौन उनके साथ में, कुटी जब सूनी पड़ी थी दो भाई और विपदा बड़ी थी, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वो तो स्वयं भगवान था पर कहां उसमें मान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, मर्यादा के प्राण थे रघुवंश का अभिमान था, बोलो श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। श्री राम की महिमा अपरंपार है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। श्री राम के भक्त कहते हैं, संत कहते हैं कि संसार में रहना, परिवार में रहना, धन कमाना, ये सब गलत नहीं है, पर ये सब करने में भगवान को भूल जाना गलत है, भगवान को नहीं मानना गलत है। तो संसार में रहिए, व्यापार करिए, धन कमाइए, लेकिन साथ ही साथ एक और काम करिए। क्या? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए। अब इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि उसे धन दौलत, नाम शोहरत, पद प्रतिष्ठा मिलने पर खुशी नहीं होगी। सबको खुशी होती है, और भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ देने को भी तैयार हूं, लेकिन ये सब मिलने के बाद अगर तुमने अभिमान कर लिया, इसका दुरुपयोग किया, तो ये चीजें तुम्हारे पास फिर नहीं रहेगी। भगवान कहते हैं क्या? किया अभिमान तो फिर माने नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर माने नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम।